नवेम्बर 27 तारीख रे महाप्रभु नागार्जुन बेश अनुष्ठित हेबो तेबे मात्र अल्प दिन थिबारु बेश निर्माण कार्य किभली सुरुखुरे हेबो सेने एक प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइ जैछि। श्रीमंदिर कार्यालय रे अनुष्ठित होइतिबा ए बैठक रे श्रीमंदिर नीति प्रशासक अध्यक्षता रे होइतिला। एतिरे बेश जोगाउथिबा सेवायत बेश निर्माण करथुबा कारीगरक समेत ए बेश करिबाकु थिबा विभिन्न सेवायत एवं श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य उपस्थित थिले। सूचना अनुजाई बेश निर्माण कार्य सठिक बाटरे आगे चलीछि। 40% बेश निर्माण शेष होईछि। तेबे बेश हेबार पूर्व दिन अर्थात नवेम्बर 26 तारीख रात्र 12 पहड़ पड़िबो। रात्र 2 द्वार फिटा परे बेश सामग्री अणाजाई जगमोहन रे रखा जिवो। भोर 4 महाप्रभु अवकाश नीति पर बेश आरंभ हेबो। एहा सकाळ 7 जाए चलिबो। बेश उलागी भोग मंडप शेष परे पाखापाखी दिन 2 बेलकु हेबो। बेश उलागी परे बेशदाता सेवायतंकु बेश सामग्री फेराई दिया जिवो। तेबे कोविड कटकणा हेतु भक्तक दर्शन बंद रहिबो। तेबे उक्त दिन श्रीमंदिर निकटरे भक्तक भिड़ नहेबा पाए 184 धारा जारी हेबो कि प्रश्नर उत्तर रखिथिले श्रीमंदिर नीति प्रशासक। से कहिछन्ति ए निष्पत्ति जिलापाल नेबे। तेबे दीपावली दिन श्रीमंदिर यथारीति महाप्रभु नीति हेबो। अन्यपटे एथर प्रतीत पावन नागार्जुन बेश नै कोनोसी आलोचना होइनथिबा श्रीमंदिर नीति प्रशासक कहिछन्ति। आगामी 27 तारीख रे प्रभु जगन्नाथंकर जो विरल भेष नागार्जुन भेष पई श्रीमंदिर प्रशासन दाता एवं सेवायत मानक मध्य आज एक बैठक नीति प्रशासक अध्यक्षता अनुष्ठित होता। जेहेतु ये विरल भेष दीर्घ 25 वर्ष पर पड़ी एवं ये भेष रे तार जो नीति निघंट किपर भाव सुचारू रूपे कार्यकारी हो पार एवं बेश जो तैयारी होची तार ठीक माप चुप ये बाबदे समस्त आलोचना करा जाइतला एवं बेश रे दातार कौन असुविधा सुविधा एवं बेश जो करिवे जो संपुक्त सेवायत माने ताको सहित मध्य आलोचना करा जाए सुचारू रूपे प्रभुंकर नागार्जुन बेश COVID-19 पाई बिना भक्त किपर भाव सुचारू रूपे श्रीमंदिर बेश हो पार सका द्वार फिटा ठारू आरंभ कर बेश सर पर्यंत समस्त नीति गति सुचारू रूप से समापन हो बाबद श्रीमंदिर परिचालना कमिटी सदस्य समस्त सेवायत सदस्य। तेबे बेश को श्रीमंदिर अणाजीवा पूर्व हरचंडी साई चक्रकोटरी श्रीमंदिर जाए सफे हेबो चूनपाणी पकाजिबो। घंट घंटा काहाली छत्र श्रीमंदिर निजाए सेवकों घर नागार्जुन बेश सामग्री श्रीमंदिर को अणाजिबो। गोप्रो चयन कुमार सेठी रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।